और प्रियंका और राहुल हाथरस पहुंच चुके हैं, पीड़िता के घर में भी दाखिल हो चुके हैं राहुल और प्रियंका, लेकिन मीडिया की एंट्री को रोक दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा जमघट वहां पर मीडिया का लगा हुआ है और ऐसे में मीडिया के उसी जमघट को देखते हुए मीडिया को बाहर ही रोक लिया गया है। और देखिए सबसे खास बात है कि कुछ देर पहले तक परिवार के लोग लगातार मीडिया के लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए घर को बंद कर लिया गया और अब जब राहुल और प्रियंका के आने की इत्तला उनको हुई तब जाकर ये गेट खोले गए हैं। और उसके बाद क्योंकि भारी जमघट वहां पर था तो खुद राहुल ने भी देखिए हाथ लगाकर वहां पर जो लगातार तमाम उनकी और चैनल आईडीज बढ़ रही थी जिसमें वो रिएक्शन पूछना चाह रहे थे राहुल गांधी का कि कैसे वो इंसाफ दिलाएंगे हाथरस की इस बेटी को, उन्होंने खुद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वो कुछ भी कहते नजर नहीं आए और शांति से आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। उसके बाद प्रियंका भी क्योंकि लगातार उनके पीछे चल रही थी और उसके बाद राहुल ने प्रियंका को भी आगे बुलाया और फिर उसके बाद दोनों घर में दाखिल हो गए, पीड़िता के घर में पहुंच चुके हैं राहुल और प्रियंका। क्या बातचीत हो रही है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल क्योंकि मीडिया के कैमरों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया और फिलहाल जो भारी जमघट था उस लिहाज से देखते हुए क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी आगे बढ़ने में हो रही थी उस लिहाज से वहां पर मीडिया की एंट्री को बाहर ही रोक दिया गया। पीड़िता के घर में राहुल और प्रियंका अब तक दाखिल हो चुके, लेकिन जब जब प्रियंका इस तरीके से मिलती रही है परिवार से, हमेशा प्रियंका ने बहुत ही भावुकता के साथ में परिवार के लोगों से बातचीत की है, कभी वो सर सहलाती नजर आईं तो कभी गले भी लगाती नजर आईं, कभी आंखों से आंसू भी आ गए तो कभी उनकी आवाज बेहद नम हो गई। तो कुल मिलाकर इस बार क्या अलग अंदाज होगा, कांग्रेस की ओर से क्या सहयोग की बात की जाएगी, जिस इंसाफ की बात लगातार की जा रही, जो दर्द बांटने की बात की जा रही है, आज किस तरीके से कांग्रेस दर्द बांटेगी। अब फिलहाल ये कैमरे की पहुंच से दूर है पीड़ित परिवार से, इससे पहले एएसएस ग्रह और डीजीपी ने मुलाकात की थी और अब अखिलेश यादव भी कल हाथरस पहुंच रहे हैं, यानी अब ये जो हाथरस है वो पिकनिक स्पॉट के तौर पे बन चुका है राजनीति के लिहाज से, जिसको भी देखो वो तमाम लोग अब यहाँ पहुंच रहे हैं, खुद पहले से ही लगातार राहुल और प्रियंका पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आज एसीएस और डीजीपी पहुंच गए। और देखिए फिलहाल हम एक्सक्लूसिवली तमाम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गांव में इस वक्त अंधेरा है लेकिन फिर भी कुछ जो जगमगाती सी लाइट है उनके जरिए हम कुछ औझल सी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए आप देख पाएंगे कि फिलहाल परिवार जो है वो लगातार राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर रहा है और दूसरी तरफ जो तमाम मीडिया के कर्मचारी हैं वो बाहर ही जमघट रुके हैं, लेकिन इससे पहले बैरिकेडिंग पर ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। और अगर आप देखें यहाँ पर पुलिस फोर्स को देखें तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आपको पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे। शुभम हमारे सहयोगी लगातार घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और शुभम मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। शुभम, मीडिया की एंट्री को फिर से एक बार रोका गया है और परिवार से फिलहाल कैमरे से फिलहाल परिवार दूर है और अंदर राहुल प्रियंका पहुंच चुके हैं, पुलिस महकमा उनके साथ में मौजूद है, पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में राहुल और प्रियंका की मुलाकात परिवार के लोगों से होगी। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर वहां पर है, बातचीत क्या होगी, क्या ये लोगों तक पहुंच पाए, इसका कोई जरिया है? शुभम, शायद शुभम से हमारी अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं कि पीड़िता के गांव में इस वक्त लगातार मौजूद हैं राहुल और प्रियंका, तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए एक बहुत ही पतली सी गली जो कि उस घर तक जाती है, उस पतली सी गली में बहुत ज्यादा लोग थे, देखिए तस्वीरों को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर परिवार को न्याय दिलाने की बात की जा रही है। लेकिन एक और खास बात यह है कि यहां पर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी मिली है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अगर दिनों की बात करते हैं कांग्रेस का वोट बैंक जितनी तेजी के साथ गिरा उसके बाद देखिए अगर इस पूरे ये बहुत संवेदनशील मामला, लेकिन फिर भी इस पहलू पर बातचीत करनी पड़ रही, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर भी मुद्दा हुआ लेकिन वहां पर राहुल और प्रियंका अभी नहीं पहुंचे हैं जबकि वहां पर उनकी खुद की सरकार है, लेकिन यहां पर हाथरस में वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो इंसाफ की बात कर रहे हैं और फिलहाल पीड़िता के घर पर मौजूद है राहुल और प्रियंका गांधी। शुभम मेरे सहयोगी भी लगातार बने हमारे साथ में, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ इंसाफ की बात कर रहे हैं राहुल और प्रियंका, लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहां पर अगर बात करें तो राहुल और प्रियंका से भी बातचीत की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी अगर देखें तो राहुल और प्रियंका ने बातचीत से कोई भी इनकार कर दिया, लेकिन हाँ मथुरा में जब रुके तो प्रियंका ने बातचीत की थी, लेकिन राहुल कैमरे पर कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, प्रियंका फिर भी अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं, लेकिन राहुल एकदम इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के कैमरे पर मौन है। शुभम गुप्ता हमारे साथ में, शुभम
राहुल गांधी से बातचीत की बहुत सी कोशिश मीडिया कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन राहुल मौन क्यों है कैमरे के सामने? वो कुछ भी बोलना क्यों नहीं चाह रहे? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और उनसे जब मीडिया कर्मी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। जब वो दो दिन पहले भी यहाँ पर आए थे, आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको आने नहीं दिया गया था, लेकिन वो आज दोबारा जिस तरह के हाथों आए तो आप लोग गए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की गई है, उनका 5 सदस्य टीम जो आई है वहाँ पर जो उनसे पीड़ित परिवार से बात कर रही है, लेकिन बात करने के बाद जब मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कुछ सवाल कुछ भी बोलने को राजी नहीं है फिलहाल। परिवार को बाहर कर दिया, परिवार से मिलने से सबको बाहर कर दिया गया है। अभी मीडिया की एंट्री बंद है, अंदर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है क्या शुभम? चले शुभम से फिर हम संपर्क करेंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि अभी आखिरकार अंदर चल क्या रहा है, बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। इस वक्त राहुल और प्रियंका पहुंचे, शुभम हमारे साथ फिर जुड़ गए। शुभम देखिए बहुत ज्यादा क्योंकि इस वक्त मीडिया का जमघट वहां पर है, काफी नेटवर्क प्रॉब्लम भी वहां पर हो, इसलिए ठीक तरीके से शुभम से कई दफा बातचीत भी नहीं हो पा रही। शुभम परिवार के साथ में इस वक्त राहुल प्रियंका मौजूद है, क्या कुछ बातचीत चल रही है, कोई भी तस्वीर अब तक बाहर आई क्या? जी बिल्कुल, इस समय राहुल और प्रियंका दोनों परिवार के अंदर बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं और कोई तस्वीर तो बाहर नहीं आई है, लेकिन हम बात कर सकते हैं कि जो इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से घटना हुई, घटनाक्रम क्या रहा 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उसके बाद जो आज की स्थिति पूरे हाथों का जाया, दोनों लोग वहां से जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जी शुभम अभी तक कोई तस्वीर बाहर नहीं आ रही है, मीडिया के कैमरों को बंद कर दिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर रोक दिया गया है फिलहाल बैरिकेडिंग पर ही, क्योंकि आप फिर से बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए हैं और यहां पर अब से कुछ देर पहले पूरा शोरगुल था लेकिन अब सब कुछ शांत हो चुका है, तो क्या तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ से रवाना हो चुके हैं या फिर कुछ और रास्ते ढूंढ रहे हैं अपने नेता के पास पहुंचने के? बिल्कुल, इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो बाहर सारी फोर्स मौजूद है, जिसने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ आए थे, जमकर लगा हुआ था, पुलिस ने उनको उधर कर दिया है, तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है पुलिस ने उनको हल्का उल करके चारों तरफ कर दिया है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अपने राहुल और प्रियंका के लिए जो इकट्ठा हुए थे वो सब इधर उधर साइड में हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पुलिस कर्मी है जो बिल्कुल इस तरह लगे हुए हैं और जो लोग वहां पर आए हुए थे उनको हटा दिया गया है। ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ पर पुलिस कुछ समय पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों लगे हुए थे लेकिन पुलिस ने सबको हटा दिया गया है। जी अच्छा, स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से तैनाती किए हुए, लेकिन जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, जानकारी ये भी है कि वो भी यही स्थानीय नेता हैं, तो ऐसे में उनको जाहिर सी बात है यहाँ की जो पगडंडियां हैं, जो यहाँ के खेतों के जरिए घर तक पहुंचने के रास्ते हैं वो भी पता होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ इसी तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? और ये जो कई गाड़ियां जा रही है, गाड़ियां किसकी है, क्या अधिकारी अभी वहां पर और पहुंच रहे हैं? शुभम जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो स्थानीय नेता है यहाँ के कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो जो गांव के अन्य मार्ग है वो उनसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी चारों तरफ लगी हुई है और जो भी राहुल और प्रियंका की सुरक्षा की बात को देखते हुए स्थानीय प्रधान का कहना है कि दोनों की सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं और जितनी फोर्स लगी हुई सुरक्षा को लगे हुए देखने में लगी गई है। ये गाड़ियां जो गुजर रही है, गाड़ियां किसकी है, क्या अब भी प्रशासनिक अमला वहां पर घर तक पहुंच रहा है लगातार? जी बिल्कुल, हम आपको कहना चाहेंगे कि जो जितनी गाड़ियां चल रही हैं, ये तमाम अधिकारी यहाँ पर आने जाने आ रहे हैं जो उनकी सुरक्षा को देखते हुए लगे हुए हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वह भी वहाँ पर लगातार पहुंच रहा है और पल पल की अपडेट देता रहा है। इसलिए देखिए बाहर से भी हमारे साथ वोट जो आया, ये लोग बाहर से भी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, हाथरस के अलावा जो बाहर से भी अधिकारी वह भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इस समय गाड़ी से उतरे हैं ये अधिकारी हैं जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर, और जब देखिए बाहर से अभी भी आए हुए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी ये लोग इनमें से कोई भी पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बातचीत को तैयार है? शुभम अगर आप पूछ पाए इनसे कि फिलहाल जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको हटा दिया गया है, इनको क्या कुछ निर्देश मिले, क्या इस बारे में ये आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं फिलहाल? जी हम जरूर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फिर भी एक बार कोशिश कीजिए कि इनको क्या कुछ निर्देश मिले हैं आज। नहीं, तो मेन इंचार्ज नहीं है, जो यहाँ पर जो लगे हुए थे कुछ सुरक्षा कर्मी जो अधिकारी थे वह सब तो अंदर है, यहाँ पर जो अन्य पुलिस कर्मी है वो कोई भी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है।
जी। अच्छा, कब तक राहुल और प्रियंका वहाँ घर में मौजूद रहेंगे, इस बारे में यहाँ की मूवमेंट को देखकर कुछ पता चल रहा है? अगर हम बात करें राहुल और प्रियंका की, तो अभी तक तो वो अंदर ही है, अंदर कोई तस्वीर बाहर नहीं आई है, और लगता है कि वो 5 से 10 मिनट और अंदर रहेंगे, उसके बाद बाहर आ सकते हैं। इंतजामात कुछ नजर आ रहे हैं क्या, कोई मूवमेंट यहाँ पर है? क्योंकि जैसे ही वहां से उनका वो काफिला फिर से इधर की ओर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पुलिस का जो मूवमेंट है वो तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि फिर से आप जरा तस्वीरें दिखाएं, कैसे अंधेरी तंग गलियों तक भी पुलिस के तमाम कर्मचारियों को लगातार तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये वही मार्ग है जिससे सोनिया और जिससे राहुल और प्रियंका आएंगे, जिसको लेकर अभी बैरिकेड कर दिया वहां से, और जितने पुलिस कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं, जो पुलिस कर्मी है सब सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी देखा जाऊंगा कि जो अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं सब राहुल और प्रियंका की सुरक्षा को देखते हुए लगाए गए थे। जी अच्छा शुभम, क्या आप वो रास्ता हमें दिखा सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से राहुल और प्रियंका पहुंचे, और यहाँ से कितना लगभग दूरी पर है जो पीड़िता का घर है, जहां पर इस वक्त प्रियंका और राहुल मौजूद हैं, और वहीं पर ही यहाँ पर जब बैरिकेडिंग तक पहुंचेंगे तो कम से कम 5 से 7 मिनट का वक्त उनको लगेगा यहाँ तक पहुंचने में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये वही मार्ग है जिससे राहुल और प्रियंका गए थे, और ये यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अंधेरा पतली गलियां हैं, इसी रास्ते से लोग गए थे, जिसकी यहाँ से वो जो लोग गए थे ये वही मार्ग है जैसे अंदर गए थे, और इसी मार्ग से वो लोग अंदर आएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है। शुभम, ये जो हम रास्ता देख रहे हैं ये बिल्कुल अंधेरी गलियां नजर आ रही हैं, जहां पर कुछ भी दूर दूर तक नजर ना आए, ऐसे में यहां पर जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती किस तरीके से की गई है? बिल्कुल, ये आप देखिए यहां पर जो रास्ता है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जो रास्ता है वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि यहाँ अंधेरा काफी है, इसको देखते हुए सुरक्षा को मद्देनजर पुलिस फोर्स यहाँ इंतजाम किया गया था। अच्छा, यहाँ पर खेत के रास्ते भी पीड़िता के घर तक पहुंचा जा सकता है, तो क्या वहां पर भी कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, क्या वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, इस मार्ग से जितने भी रास्ते हैं जो गांव के अन्य मार्गों से भी मिलते हैं, पुलिस ने सारे रास्तों पर नाकाबंदी करते हुए, बैरिकेड करते हुए सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था, और सारे रास्तों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगी हुई थी। शुभम, कल ही नए एसपी की तैनाती यहाँ पर हुई है, और जो पिछले एसपी थे उनका निलंबन हो चुका है, नए एसपी के तैनाती के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो भारी पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया जा रहा है, और उसमें और इजाफा लगातार किया जा रहा है। एसपी का विजिट भी क्या अब तक यहाँ पर रहा है, क्या वो यहाँ पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जो कल शासन ने जब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, और उसमें जो यहाँ के कप्तान थे पूर्व के वो भी हट गए, जब आज सुबह ही जो नवागत कप्तान है उन्होंने चार्ज लिया है, चार्ज लेने के तत्काल बाद उन्होंने इस स्थिति को समझाया, और यहाँ पर वो दो बार आ भी चुके हैं और स्थिति को जायजा भी ले चुका है। लेकिन वही कल से आज तक अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कल से आज तक फोर्स की बात करें तो दुगनी संख्या में यहाँ फोर्स तैनात है, अन्य कई जिलों से, हथरस के अलावा आस पास के कई जिलों से फोर्स यहाँ बुलाया गया था। पीएसी की बात करें तो पीएसी की भी कई बटालियन यहाँ पर तैनात है। जी शुभम, अभी और कोई मूवमेंट नजर आया क्या, आप कोई तस्वीर राहुल प्रियंका के भीतर की, जब वो परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अब तक भी कोई अपडेट आप तक पहुंचा हो? जी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका और राहुल जो परिवार से मिल रहे हैं उसकी कोई तस्वीर बाहर आए, ना तो अभी तक कोई हलचल बाहर आई है ना कोई तस्वीर। सारे हम बात करना चाहें तो हम दर्शकों को सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर बाहर नहीं आई, जैसे राहुल प्रियंका की तस्वीर बाहर आती है सबसे पहले नीचे बैठे तब तक वो दिखाएगा। हम चाहेंगे कि फिर से जरा आप तस्वीर दिखाएं कि इस वक्त वहां पर बैरिकेटिंग जहां है वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से तमाम पुलिस कर्मचारी वो तैनात हैं। जी देखिए, ये वही बैरिकेटिंग है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पुलिस फोर्स लगा हुआ है, ये अगर हम बात करें तो ये पुलिस फोर्स लगा हुआ है, यहाँ महिला पुलिस कर्मी भी तैनात है, और दो सारे लोग छोटे सब लोग लगे हुए हैं। जी चलिए शुभम, आपके पास हम वापस लौटते हैं। देखिए, हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए इस वक्त पहुंचे हैं राहुल और प्रियंका। हाथरस के गांव में इस वक्त हलचले बेहद तेज हो चुकी हैं, पीड़िता का दर्द बांटने के लिए राहुल प्रियंका पहुंचे, यही कहते हुए वहां पर पहुंचे हैं। 5 लोगों का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, परिवार से लगातार राहुल की मुलाकात हो रही है,
और इस मुलाकात में परिवार का दर्द बांटने की बात की जा रही है। मुलाकात से फिलहाल कैमरों को दूर किया गया है, बंद कमरे में ही परिवार से बातचीत कर रहे हैं। अब परिवार से बातचीत में क्या कुछ हो रहा है ये समझ से अभी फिलहाल परे है, क्योंकि अभी दूर रखा गया है कैमरों को और राहुल गांधी ने खुद भी अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कैमरों को भी रोका, वो खुद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं रहे। पूरा मीडिया का जमघट उनके पास में था और उसी दौरान में उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही थी, उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आप कैसे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बंद कमरे में मुलाकात चल रही है, शुभम बंद कमरे में मुलाकात चल रही है, जब ACS गृह और DGP पहुंचे थे उस दौरान भी मुलाकात घर में आंगन में बैठकर हो रही थी, लेकिन राहुल प्रियंका पहुंचे हैं और मुलाकात बंद कमरे में हो रही है। जी बिल्कुल, जब यहाँ ACS और DGP दोनों आए हुए थे तो उन्होंने खुले कमरे में आंगन में बात की थी, और यहाँ जो राहुल और प्रियंका आए तो ये बंद कमरे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें बात कर रहे हैं तो वो अंधेरे में बात की, कमरे में बंद कमरे में बात कर रहे हैं। यहाँ वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता भी नहीं जा सकते हैं, ना मीडिया के कोई वगैरह हुए, केवल परिवार के कुछ लोग हैं इनसे वो अकेले में बातचीत कर रहे हैं। ये क्या बातचीत चल रही है, क्या इस बारे में कोई सुगबुगाहटें हो रही है अभी तक? जी जब से दोनों प्रियंका और राहुल दोनों अंदर गए जब से लेकर अब तक उनकी कोई हलचल बाहर नहीं आई है, ना ही उनकी कुछ सोचा करिए बाहर आए, क्योंकि आज ACS गृह अवनीश अवस्थी और DGP यहाँ पर DGP की मुलाकात के बाद में हम देखा कि परिवार ने जो लड़की की अस्थियां थी उनको भी उठाया, अपनी बेटी की अस्थियों को उठाकर 23 सितंबर को अंतिम संस्कार की बात भी कही है, और उनका कहना है कि जब तक उनके जो अपराधी हैं उनको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा तब तक वो अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। तो क्या ये मानकर चले कि राहुल और प्रियंका के समक्ष भी अपनी बेटी की उन अस्थियों को दिखाया जा सकता है अब, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, क्या उस दर्द को बांटने के लिए वो वाकई अपना सहारा मानेंगे प्रियंका और राहुल को, इस बारे में परिवार की ओर से कुछ कहा गया क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब उसके परिवार के और शुभम आपके पास वापस लौट रहे हैं, गौरव हाथरस से ही इस वक्त हमारे सहयोगी और जुड़ रहे हैं, पीड़िता के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है और देखिए कैसे पूरा का पूरा जमघट इस वक्त लगा हुआ है, और गौरव दिखा रहे हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात है। देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तंग सी गलियां हैं गांव के अंदर, आमतौर पर इस तरह से कई दफा घरों के आसपास इस तरह की गलियां होती हैं जहां पर बहुत ही कम ऐसा स्पेस होता है कि बहुत सी लोग वहां पर पहुंच पाए। आप देखेंगे घर के बाहर का नजारा गौरव हमें दिखा रहे हैं, घर के बाहर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी हुई है, कई पुलिस कर्मचारी खड़े हैं और उससे कुछ ही दूरी पर मीडिया के कर्मचारी मौजूद हैं जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव क्या चल रहा है, क्या अपडेट? घर के अंदर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, परिवार से बात कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, जो उनके ऊपर बीती है और जिस तरीके से घर में उनको कैद कर लिया गया था उस सब को लेकर वो सारी आप बीती उनसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके की तकलीफ है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों को उनके परिवार से पूरी बात कर रहे हैं और उसके बाद जब बात बाहर निकलेंगे तब हम भी उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जब दो दिन से लगातार अड़े हुए थे, पहले एक बार राहुल गांधी प्रियंका गांधी कोशिश कर चुके थे, उसके बाद दूसरी बात फिर से वो कोशिश करके आज यहाँ पीड़ित परिवार के घर तक आए हैं और उनसे बात करने की कोशिश, ये राजनीतिक धरातल तलाशने की कोशिश है कांग्रेस की या कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें सच में पीड़ित परिवार को उसकी सांत्वना देना चाहती है। वही दूसरे देखेंगे कि पूरा का पूरा गिरफ्तार है, आप देखेंगे पूरे सब लोग आए हुए हैं, मैं कहूँ ये सब यहाँ पे देखेंगे सब मीडिया यहाँ पर बैठी हुई है, सब मीडिया है और यहाँ जितने भी लोग सभी चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को इस पीड़िता को न्याय मिले, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो लगातार कोशिश कर रहे थे यहाँ घर में आने की, वो आखिरकार घर तो आ चुके हैं, पीड़ित परिवार से बात तो कर रहे हैं लेकिन आखिर समझ नहीं आता कि आखिर वो इतना लेट क्यों जागे, जब पीड़िता हॉस्पिटल में थी तब दिल्ली में नहीं गए, जब वो मर गई तब नहीं गए, लेकिन आज उसे सियासत चमकाने आए हैं या अपने सच में परिवार के साथ सांत्वना देने आए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आखिरकार वो पीड़ित परिवार के पास पहुंच ही चुके हैं, पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। तो पूजा सबसे बड़ी चीज ये है कि दो राजनीतिक दल, एक बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी लगातार बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, इसकी क्या कुछ खास वजह अभी तक इसकी कोई वजह साफ हो पाई है क्या? गौरव बंद कमरे में बातचीत चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पीड़ित परिवार से ढंग से बात कर सके, आराम से बात कर सके। और प्रियंका गले मिल रही है क्या? क्या ये अपडेट आप तक पहुंचा? देखिए फिलहाल एक तस्वीर नजर आ रही है कि प्रियंका गले लग रही है परिवार के। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए प्रियंका गांधी गले भी लग रही हैं और प्रियंका गांधी लगातार उनसे बात भी कर रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं। और प्रियंका रो भी रही हैं। एक और अपडेट जरा अपने दर्शकों को बता दें हम कि प्रियंका गांधी रो भी रही हैं और आमतौर पर हमेशा से जब जब इस तरह का नजारा देखने को मिला है तब तक प्रियंका भावुक हुई है और हमने जिक्र भी किया था कि इस बार भी प्रियंका भावुक हो सकती है। और फिलहाल देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आ रही हैं कि परिवार से गले लगकर प्रियंका रो भी रही हैं, माँ को गले लगा रही हैं और माँ बुरी तरीके से रो रही हैं, प्रियंका ढांढस बंधा रही हैं, प्रियंका परिवार से बातचीत कर रही हैं, महिलाओं के बीच में इस वक्त घर की महिलाओं के बीच में प्रियंका मौजूद हैं और घर की महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, उनको ढांढस बंधा रही हैं। वो माँ जिसने 9 महीने कोख में रखकर अपनी बेटी को जन्मा, वो माँ जिसने अपनी बेटी के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा, वो माँ जिसने अपनी उस बेटी की उस हालत को भी देखा जिसमें अपनी बेटी को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, वो माँ तब भी लगातार कराह रही थी जब उसकी बेटी आखिरी सांसें गिन रही थी, वो माँ अब भी कराह रही है ये कहते हुए कि उसकी बेटी का एक बार आखिरी बार चेहरा तो देखने दिया जाता, उसकी बेटी को ऐसे ही क्यों फूंक दिया गया। वो माँ आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है और प्रियंका उनके इस दर्द में उनके साथ मौजूद है यही कहते हुए प्रियंका वहां पर पहुंची है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहती है, वो कांग्रेस जो अब तक कई मुद्दों से सड़कों पर दूर नजर आ रही थी, वो कांग्रेस जो राजस्थान की बेटी की बात नहीं करती, वो कांग्रेस आज हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देश की बेटी की जो इंसाफ की गुहार लगा रही है अपनी मौत के बाद भी, हम बात कर रहे हैं उस माँ की जो आज भी रो रही है, बिलख रही है और कह रही है कि उसकी बेटी को कोई तो इंसाफ दिला दे। प्रियंका गले लगकर रो रही हैं, माँ को ढांढस बना रही हैं, गौरव लगातार वहां पर मौजूद हैं। गौरव क्या कुछ और तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए बंद कमरे में कहीं ना कहीं परिजनों से उनका दर्द समझने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से पूरे परिवार को नजरबंद किया गया था और कहीं ना कहीं मीडिया को भी उससे दूर रखा गया था, उसके परिजनों को, रिश्तेदारों को दूर रखा गया था, फोन छीन लिया गया था। तो ये सारे ही वाक्य है जिस पर पीड़ित परिवार अपना दर्द प्रियंका गांधी से साझा कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शायद कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार भी सोच रहा होगा कि शायद विपक्ष के कारण ही सही उन्हें उचित न्याय मिलेगा, उनकी बेटी को उचित न्याय मिलेगा। और इसी की वजह से लंबा समय हो चुका है पीड़ित परिवार से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उस परिवार से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं और परिजनों से, यानी जैसे तरीके से सांत्वना देने के लिए गले लगा जाता है और उनसे मिला जाता है, एक परिवार में सहस बांधा जाता है, साहस बांधा जाता है, वो सब के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, उनके पिता मृतका के पिता से भी बात कर रहे हैं सबसे, और सारी की सारे जो सांत्वनाएं हैं वो दे रहे हैं और सभी सरकार के खिलाफ एकजुट परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर हम परिवार के साथ आपको लौटेंगे। हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर